Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shivani. आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था. यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पश्चिमोत्तर में एक कृत्रिम झील गोविंद सागर के समीप स्थित है. कहलूर रियासत की स्थापना बीर चंद ने 697 ईस्वी और 900 ईस्वी में की. अब देखिए यहाँ पर दो डेट दी गई हैं. ये इसलिए दी गई हैं क्योंकि किसी बुक्स पर 697 ईस्वी दिया है और कई बुक्स पर 900 ईस्वी दिया है. बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट, बिलासपुर ग्रेजुएटर और गणेश सिंह की पुस्तक चंद्रवंश बिलास और शशिवंश विनोद से पुष्टि होती है कि कहलूर रियासत की नींव वीर चंद ने 697 ईस्वी रखी, जबकि डॉक्टर हचिसन एंड बोगाल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के अनुसार वीर चंद ने 900 ईस्वी में कहलूर रियासत की स्थापना की. अब हम वीर चंद की बात करेंगे कि ये थे कौन, कहाँ से आए थे. वीर चंद के पिता का नाम हरिहर था, जो मध्य प्रदेश बुंदेलखंड से आए थे. ये चंदेरी के चंदेल राजपूत थे. उनके 5 पुत्र थे, गोविंद चंद, बीर चंद, गंभीर चंद, कबीर चंद, सुबीर चंद. अगर आपसे पूछा जाए कि वीरचंद कौन थे, कहाँ से आए थे, तो आप बता सकते हो कि वीरचंद चंदेरी के चंदेल राजपूत थे. अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, वो इसलिए कि आपको सारी बातें याद रहें और एग्जाम किस में ना भूलें. तो सुनिए. कहा जाता है कि चंदेरी साम्राज्य के 7वें शासक हरिहर चंद्र को माता देवी ज्वालामुखी का स्वप्न आया. इसके बाद उन्होंने अपना भाग्य एक मंदिर में तलाशना शुरू किया. उन्होंने अपने साम्राज्य को अपने छोटे पुत्र गोविंद को सौंप दिया और अपने बाकी 4 पुत्रों के साथ ज्वालामुखी की ओर प्रस्थान किया. इससे पहले वे जिंदवाड़ी नामक स्थान पर रुके और वहाँ पर एक किले का निर्माण किया. वे नादौन भी गए, जो उस समय कांगड़ा की राजधानी थी. कांगड़ा के राजा ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया. सबीर चंद इस प्रतियोगिता में शामिल हुए, परंतु वह अपने घोड़े से नियंत्रण खो बैठे और मारे गए. इसमें कांगड़ा के राजा की धोखेबाजी पाई गई. इसके बाद उनके बीच सीरियस युद्ध हुआ और कांगड़ा की सेना हार गई. फिर कांगड़ा के राजा और चंदेरी राजा हरिचंद्र दोनों मारे गए. बचे हुए 3 चंदेरी राजकुमार ज्वालामुखी लौट गए. अधिरेष्टि देवी प्रकट हुई और उन सबको राज्य देने का वादा किया. भविष्यवाणी सच साबित हुई. उसके बाद क्या हुआ कि तीनों अलग अलग जगह पे चले गए. गंभीर चंद हिमटा की तरफ चले गए, कबीर चंद कुमाऊं चले गए और वीर चंद सतलुज की तरफ चले गए. आपको पता होगा कि बिलासपुर में सतलुज नदी बहती है. वीर चंद ही ने नैना देवी मंदिर बनवाया. अपने लगभग 33 वर्ष के शासन में उन्होंने कहलूर रियासत की सीमा बढ़ाई तथा लगभग 15 पड़ोसी राजकीय राज्यों को अपने अधीन किया. इसके अलावा उन्होंने अपने लिए कहलूर रियासत रखी. अब बात करते हैं कहाल चंद की. कहाल चंद के पुत्र अजय चंद ने हंडू रियासत की स्थापना की. मेघ चंद को उनके कठोर बर्ताव के कारण जनता ने राज्य छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया. मेघ चंद ने कुल्लू रियासत में शरण ली. अभिसद चंद सिकंदर लोदी का समकालीन था. उन्होंने तातार खान को युद्ध में हराया. संपूर्ण चंद को उनके छोटे भाई रतन चंद ने मरवा दिया था. ज्ञानचंद के शासनकाल में कहलूर रियासत मुगलों के अधीन आ गई थी. ज्ञानचंद ने सरहिंद के मुगल वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपना लिया था. बीकचंद ने 1600 ईस्वी के आसपास नैना देवी से अपनी राजधानी बदलकर सुनहानी कर ली. कल्याणचंद ने हंडू रियासत की सीमा पर एक किले का निर्माण करवाया, जिसके कारण दोनों रियासतों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हंडूर के राजा की मृत्यु हो गई. दीपचंद ने 1654 ईस्वी में अपनी राजधानी सुनहानी से बदलकर ब्यास गुफा के पास बिलासपुर में स्थानांतरित की. बिलासपुर शहर की स्थापना 1654 ईस्वी में दीपचंद चंदेल ने की. दीपचंद ने धौलरा महल का निर्माण करवाया.
बिलासपुर के राजा भीमचंद लगभग 20 वर्षों तक गुरु गोविंद के साथ परस्पर युद्ध में व्यस्त रहे। गुरु गोविंद ने 1682 ईस्वी में कहलूर की यात्रा की। कहलूर का राजा 1686 ईस्वी में भवानी साहब के युद्ध में गुरु गोविंद से पराजित हुआ था। भीमचंद की 1712 ईस्वी में मृत्यु हुई। अजमेर चंद ने हंडोर की सीमा पर अजमेर गढ़ किला बनवाया। राजा हरिचंद्र ने हंडोर रियासत के राजा मानचंद और उनके पुत्र की मृत्यु के बाद जनता के आग्रह पर स्वयं गद्दी पर न बैठकर गजे सिंह हंडोरिया को राजा बनाया। बिलासपुर पर सबसे लंबी अवधि तक मानचंद ने शासन किया। संसार चंद ने 1795 ईस्वी बिलासपुर पर आक्रमण किया, जिसमें सिरमौर के राजा की मृत्यु हो गई। बिलासपुर के राजा महानचंद ने 1803 ईस्वी में गोरखों से सहयोग मांगा, जिसके बाद 1805 ईस्वी में गोरखों ने संसार चंद को पराजित किया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिलासपुर पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया, तो आप बताएंगे कि महानचंद ने शासन किया है सबसे लंबी अवधि तक बिलासपुर में। खड़गचंद 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे। उनके शासनकाल को बिलासपुर रियासत के इतिहास में कलयुग के नाम से जाना जाता है। अमरचंद के शासनकाल में बिलासपुर के गहड़वी में झुग्गा आंदोलन हुआ। अमरचंद ने 1885 ईस्वी में रियासत के अभिलेख देवनागरी लिपि में रखने व कामकाज देवनागरी लिपि में करने के आदेश पारित किए। मतलब कि अमरचंद ने आदेश दिए कि अब बिलासपुर रियासत का सारा काम देवनागरी लिपि में होगा और अभिलेख भी देवनागरी लिपि में रखे जाएंगे। विजयचंद ने बिलासपुर में रंग महल का निर्माण करवाया। विजयचंद ने कोर्ट फीस जुडिशियल स्टैम्प शुरू करने के अलावा बिलासपुर में पानी की सप्लाई शुरू करवाई। बहादुरपुर को उन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में विजयचंद ने अंग्रेजों का साथ दिया। आनंदचंद महात्मा गांधी के शिष्य थे। आनंदचंद बिलासपुर रियासत के अंतिम शासक थे। बिलासपुर को 9 अक्टूबर 1948 को ग श्रेणी का राज्य और 12 अक्टूबर 1948 को आनंदचंद को बिलासपुर का पहला मुख्य आयुक्त बनाया गया। बिलासपुर का 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में 5वें जिले के रूप में विलय कर दिया गया। राजा आनंदचंद लोकसभा में निर्विरोध चुने गए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।